सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। क्रोएशिया की कुछ अप्रूवल्स हमारे पास आ गई है। आपको पता होगा कि क्रोएशिया का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, उसमें जो है कि हमने हेल्पर्स के लिए जो है कि कंपनी को भेजा हुआ तो उसकी अप्रूवल आ गई है। तो अप्रूवल इसकी ये रही, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको जो है कि वीडियो के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने मुझे जो है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप जाकर के मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए और वहां से जो है कि मैसेज करके डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको इंस्टा की आईडी आगे वीडियो में मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट थी हमारे पास क्रोएशिया के लिए, वो थी $600 की, ठीक है, 5 डेज वर्किंग। और जो है कि उसमें जो है कि हमें हेल्पर्स चाहिए थे, जो कि जनरल हेल्पर, जो कि किसी भी ट्रेड के बंदे के साथ उसको जो है कि काम करना था, ठीक है। तो अभी जो है कि उसमें वो रिक्वायरमेंट हमारे पास खत्म हो चुकी है। जितने हमें पेपर्स आ गए थे वो पेपर्स हमने अप्लाई कर दिए, तो उनका जो है कि अप्रूवल्स वगैरह आना चालू हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है कि जिनके पीसीसी रेडी थे उनके हमने डाल दिए थे, और जिनके पीसीसी नहीं हो पाए थे तो उनका हमने नहीं डाल पाया। और कंपनी ने बोला भाई अभी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, अभी तक जिनका सबमिशन हो चुका है उनका ही वीजा जो है कि आगे आपको जो है कि देखने के लिए मिलेगा और उनका ही ट्रेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ये जो रिक्वायरमेंट थी इसमें मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो में बताया कि $600 सैलरी थी, फूड अकोमोडेशन कंपनी का था, सारी चीज़ें जो है कि मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। तो इनमें कुछ बंदों का जो है कि ये अप्रूवल आया हुआ है, जिसमें जो है कि नाम है एक मसाजिद हुसैन, गगनदीप, ठीक है, और सत्य प्रकाश, ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण, ठीक है, उसके बाद वकील खान, ठीक है, और उसके बाद सुखविंदर, फिर उसके बाद है अपना सुनील कुमार। इस तरीके से करके टोटल हमारे पास 20 लोगों की अप्रूवल जो है कि अगर आप देख सकते हो तो 20 लोगों की अप्रूवल जो है कि आई हुई है, ठीक है गाइस। तो इट मींस कि काम बहुत तेजी में चल रहा था, क्योंकि पीसीसी की वजह से जो है कि सारी चीजें थोड़ा सा जो है कि लेट फास्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आ रही है, आई थिंक आ रही है, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। कल परसों में उसकी भी वीडियो में आपको डालूंगा, तो आप वीडियो वो देख सकते हैं उसमें किस तरीके के बंदे चाहिए, क्या चाहिए। तो आप लोग अपने पीसीसी रेडी रखिए क्रोएशिया के, जो भी जाना चाहता है क्रोएशिया, अगर आपके मूड में है, दिमाग में है कि आपको क्रोएशिया जाना है, काम करना है, तो सबसे पहले आप जो है कि पीसीसी करा लीजिए, ठीक है। पीसीसी की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पीसीसी की जो है कि डेट लेकर के रखिए, और आने वाले जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है तो आप उसमें जो है कि एलिजिबल है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो जिनका मैंने नाम बताया है, ये जो भी है वो तुरंत जो है कि ऑफिस पे कॉन्टैक्ट करें, अगर आ सकते हैं तो आकर के मिलें, ठीक है। आगे का जो प्रोसीजर है उसको जो कि फॉलो करें और फटाफट अपना जो है कि वर्क परमिट, जो भी वीएफएस के अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वो उसको जो है कि क्लियर करें, ठीक है। सो गाइज, ये अपडेट थी आपको इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आप जो है कि क्रोएशिया यूरोप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंडेटरी है इसमें जो कि पीसीसी की वजह से सारा काम जो कि लेट होता है। हम बोलते हैं 2 महीना लगेगा, लेकिन पीसीसी कराते कराते ही 2 महीना लग जाता है। बाद में कैंडिडेट्स जो है कि वो हमें चेस करने लगते हैं, हमें पीछे पड़ जाते हैं कि सर अभी कितना टाइम लगेगा, ठीक है गाइज। तो ये अपडेट थी आपको बताना था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।